एनएसयूआई द्वारा मंगलवार को नागरिक संशोधन बिल का केसरगंज चौराहे पर विरोध जताया और बिल की प्रति जलाई गई। एनएसयूआई संगठन के रियाज खान के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें नागरिक संशोधन बिल का विरोध करते हुए इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाला बताया और बिल को वापस लेने की मांग उठाई। जिस तरह केंद्र सरकार ने असंवैधानिक रूप से एनआरसी और सीएए को लागू कराए, यह एक देश विरोधी कानून है जिसने संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम करा है, देश की एकता अखंडता को तोड़ने का काम किया है। यह सांप्रदायिक बिल इसलिए लाया गया है ताकि देश की जनता को गुमराह किया जा सके। जिस तरह देश की आर्थिक व्यवस्था गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, यह गुमराह करने के लिए लाया गया बिल है। इसलिए आज एनएसयूआई संगठन द्वारा इस एक्ट की कॉपी को यहाँ जलाया गया है और इसका बहिष्कार किया गया है कि इस काले कानून को हम देश में लागू नहीं होने देंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जब हमारे देश के गृहमंत्री जो जिस तरह युवाओं ने अपनी इस एनआरसी पर आवाज़ बुलंद की है, तो उन्होंने बयान जारी किया है कि उनको समझ नहीं है, तो हम एक बार बताना चाहते हैं गृहमंत्री जी को कि देश का युवा है वो देश की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करते हैं, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे को समझ है या नहीं है। और आज हमने इस काले कानून को पुरजोर विरोध कराया और ये बताया कि धर्म और पहचान के आधार पर हमारे संविधान में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, यहाँ संविधान की प्रस्तावना में समानता का अधिकार दिया गया है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।